बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग। और काफ़ी दिन के बाद जो है वो मैं वाई फाई रिसर्च एक वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैं सी के लैंग्वेज के ऊपर काम कर रही हूँ और उसकी वीडियो डेली मैं अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो मुझे एक्चुअली ये चीज़ थी कि मुझे आपके कुछ सजेशंस चाहिए थे, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है वो कंटिन्यूअसली आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। इवन मैं कुछ अपलोड भी नहीं करी थी कुछ दिनों से, लेकिन उसके बावजूद जो है आई एम जस्ट गेटिंग सब्सक्रिप्शंस और लाइक्स एंड व्यूज़। थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद जो है वो सेकंड चीज़ ये है कि एजुकेशन से रिलेटेड तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है कि हम लोग जो है वैसे लाइफ इज़ बेसिकली लर्निंग कॉन्टीन्यूसली। हम चलते फिरते भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लर्न करते हैं, हम सीखते हैं ज़िंदगी से, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने बिटर रियलिटी से सीखा होता है कि लाइक बहुत कुछ ऐसा है ज़िंदगी में जो हमें बुरी हकीकतें सिखाती हैं, लाइक हम लोगों के बुरे एक्सपीरियंसेस, बैड थिंग्स जो कि मतलब लाइफ में आपको लाइक आप कह सकते हो कि आपको टॉर्चर करती हैं चीज़ें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ दर्द होते हैं, कुछ दुख होते हैं, कुछ लोगों के खो जाने का दुख है। हमें ज़िंदगी में बहुत से प्यारे लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों से चले जाते हैं, और हमारी लाइफ का जो एक जर्नी होता है ना, हमें लगता है कि स्ट्रक हो गया, बिल्कुल वहाँ पर स्ट्रक हो गया है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके अंदर की जो पोटेंशियल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है जिसको आप यूटिलाइज करके आप एक कहते हैं ना, मरने से पहले कुछ करना चाहिए। सो आप किस तरह से उसको में रेवोल्यूशन ला सकते हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे मैं कुछ वीडियोस बनाने जा रही हूँ। मैंने थोड़ा सा था कि मैं कुछ ऐसे शॉर्ट्स बनाऊँ कि जिसमें मैं बता सकूँ कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो मैंने चूज़ किए हैं जिनके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला वर्कआउट करेंगे। और बहुत ज़रूरी है, मुझे काफ़ी सजेशंस भी मिली थी कि इनके ऊपर जो है वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई हैव जस्ट प्लान्ड एवरीथिंग, आई जस्ट हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट। पहली बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि देखें, अगर आपको लगता है ना कि आपको जैसे कि फाइबर और मल्टीपल अकाउंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा काम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। हमारे यहाँ पता क्या प्रॉब्लम होती है, हमें वो चीज़ें कैच करती हैं, हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं हमेशा, जिनमें हमें लगता है कि ये एक बड़ी मतलब एक फ़ौरन से हमें इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है, तो वो चीज़ें हम करते हैं। आप देखिए YouTube जो है वो आपको भरा पड़ा है बहुत सारे ऐसे चैनल्स के साथ जिनके ऊपर आपको मिलेगा कि आप ये अर्न कर सकते हैं, इस तरह से अर्न कर सकते हैं। और मैं आपको सच बात बताऊँ, जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं अर्न कर सकते। यू कांट गेट एनीथिंग। आपकी लाइफ प्रैक्टिकल है या आपकी लाइफ जो है वो इंटरनेट पे चल रही है, या आप इंटरनेट से इतना कनेक्टेड हैं कि आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है, यू कांट डू इट। इफ़ यू कैन स्पीक, इवन अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, यू और आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आप अपनी बुक्स को शेयर कर सकते हैं, आप अपनी बुक का नॉलेज जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं बहुत किताबें नहीं पढ़ती, लेकिन मतलब एक सिलेक्टिव स्टडी करती हूँ, बट ये होता है कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, आई ऑलवेज शेयर हेयर। इवन जब मैं ट्रैवल करती हूँ तब भी मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनका मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं करती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना, अपनी लाइफ को इंगेज रखें। सोशल मीडिया आपको दोनों तरह से जो है ना, एक तरह से तो वो आपको सिक्योर करता है अगर आप उसको पॉजिटिव यूज़ करते हैं, और अगर आप उसको सिर्फ स्क्रॉलिंग की हद तक लेके जाते हैं तो उसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आजकल जितने भी डिप्रेशंस हो रहे हैं वो सारे जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया है, क्योंकि वहाँ पे लाइफ का कंपैरिजन आ जाता है, लाइफ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जो नेक्स्ट पर्सन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्या उसकी लाइफ जो है वो मे बी उसकी लाइफ आपसे बेटर ना हो, लेकिन हम ऑलवेज यही सोचते हैं कि शायद उसकी लाइफ हमसे बहुत बेटर है, वो खुश नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो रियल में खुश है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो अपने आप के और अपने टैलेंट पर फोकस करें सबसे पहली चीज़। मैं अब एक चीज़ बोलती हूँ हमेशा कि दुनिया में अगर आप आए हो ना, तो आपको हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, आप हर तरह का नॉलेज लेके जाएं यहाँ से, लाइक आप एक्सप्लोर करें दुनिया को, आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, आप बुक्स को एक्सप्लोर करें। इवन यहाँ मेरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीचिंग में हैं, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो मल्टीपल बेसिस से हैं, तो मैं उनको ये चीज़ कहती हूँ कि आपके पास जो किताबें अवेलेबल हैं, लाइक स्पेशली ये नहीं है कि यू जस्ट गो टू लाइब्रेरी स्पेशली एंड जस्ट फाइंड आउट द बुक्स फ्रॉम देयर एंड जस्ट देन फाइंड द बुक अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड देन रीड इट एंड देन फाइंड आउट एंड write on the complete book review of that. No, it's not a matter of writing the book review of that book, okay? Because you don't need to read the whole book. आप जो हैं, आपके पास जो सिलेबस की बुक्स हैं, आप उसके अंदर से भी मटेरियल बहुत सारा निकाल सकते हैं। आप एक टॉपिक ले लेना, अगर आप एक टॉपिक, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, तो कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। मैंने अपनी वीडियो में भी ये बात बताई है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम पता क्या है कि अगर आप जाएंगे ना सर्च करने जाएंगे, तो वेरी फ्यू यू विल गेट अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
कि जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई जाएगी, लेकिन नॉर्मली हमें जो है वो आपको फॉरेन कंट्री से मिलेगा या फिर आपको नेबरिंग कंट्री से मिलेगा, आपको वहाँ से डाटा मिलेगा जो कि कलेक्ट मतलब वो जितना प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर बात करें, अब आपके पास जो टूल हैं लाइक मेटा AI और आपके पास इस AI जो टूल्स हैं उनके साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप थाउजेंड्स चीज़ें तो आप उनके साथ बना सकते हैं। लाइक आपके पास आइडिया भी आपको ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट कैन गेट द स्टोरीज, आप वहाँ से स्टोरीज हासिल करें, आप वहां से क्रिएटिव राइटिंग्स लें, आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लें, लेकिन डोंट रिलाई 100% ऑन दोज आंसर्स बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट करेक्ट ऑन ChatGPT और AI इज लिटिल बिट बेटर देन दैट बिकॉज इट्स लिटिल बिट यू कैन से रिलायबल देन योर ChatGPT। बट आपको कंटेंट मिलता है, आपको मटेरियल मिलता है, यू जस्ट स्पीक अबाउट इट। आपको लैंग्वेज सीखनी है, आप पैराग्राफ डाउनलोड करें एंड स्पीक। दुख सबकी ज़िंदगी में होते हैं, हर इंसान जो है ना उसकी एक अलग कहानी है और हर इंसान जो है वो अंदर से शायद बहुत ही ब्रोकन है, क्योंकि दुनिया एक ऐसी जगह है जिसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है जिसमें ये था कि आदम को दुनिया में सजा के लिए भेजा था लेकिन हम यहाँ सुकून तलाश करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मान लें, एक चीज़ को अगर आप मान लेंगे ना कि इस दुनिया में आपको सुकून नहीं नसीब होगा, सुकून नहीं मिलेगा, सुकून आपके अंदर है, पीस आपके अंदर है, और अगर वो आपको मिल गया है ना तो इट मीन्स यू आर द लकीएस्ट पर्सन। आपको वो चीज़ जो है ना अगर आपको अवेलेबल है तो इट मीन्स कि आपके पास सब कुछ है, और वो जो सुकून है वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कनेक्टेड होने के लिए के साथ मिलता है। आप उन जहानों में जहाँ से आप आए हो आपको वो चीज़ मिलेगी। तो मैं अभी जो मेरा बेसिक पर्पज़ था कि ये था कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर जो है मैंने स्टडी किया, मैंने पढ़ा, उनको अपने शौक से पढ़ा और जाना। तो मैंने एक कुछ प्लेलिस्ट बनाने का सोचा हुआ था कि मैं एक प्लेलिस्ट ऐसी बनाऊंगी जिसमें मैं प्रोग्रामिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे इंशाल्लाह ताला विल ट्राई टू अपलोड इट, और मुझे आपके बेटर रिस्पॉन्सेज चाहिए और मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं स्पिरिचुअलिटी पे बात करना चाहूँगी, दैट स्पिरिचुअलिटी आज के दौर में इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे हर तरफ आप देख रहे हो कि डार्कनेस एंड मायूसी छाई हुई है, तो वी नीड टू अवेक द सोल्स राइट। किस तरीके से आप कर सकते हो, उसके लिए मैं कुछ सेशंस अपलोड करने वाली हूँ। उसके बाद आप देखो कि डिप्रेसिव थॉट्स आती हैं इंसान को, और डिप्रेसिव थॉट्स वो चीज़ हैं जो कि हर इंसान उसके अंदर से गुजरेगा, किसी न किसी स्टेज पे जाएगा तो वो गुजरेगा। आप बाहर निकलें आपको लगेगा लोग हंस रहे हैं, लेकिन बेसिकली उनके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे मतलब आप देखो जो फेस आपको नज़र आ रहा है वो वैसा नहीं है। और ये आज के दौर का अलमिया है कि हम में से ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन के पेशेंट हैं, और उनको किस तरीके से आप ओवरकम करते हैं, किस तरीके से आप खुद से फाइट करते हैं और कैसे आप लड़ते हैं, वो तमाम चीज़ों के बारे में एक सीरीज़ जो है वो मैंने डिज़ाइन की है यहाँ। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी वो कुछ ये था कि कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि GK के से रिलेटेड होंगे, जिनमें हमें नॉर्मली में सर्च करना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि मैं उनके ऊपर भी एक सीरीज़ बना दूँ कि जिसके ऊपर जो है वो जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चन और उनके अथेंटिक आंसर है सर्च के बाद, इंशाल्लाह ताला उसकी सीरीज़ बनाने जा रही हूँ। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई सेल्फ बिजी, किस लिए कि मुझे शायद लाइफ का कोई भी मोमेंट ज़ाया नहीं करना है। बहुत से दुख होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, बहुत सारा ऐसा कुछ है कि जो शायद डिस्कस भी नहीं किया जा सकता, लेकिन लाइफ को पॉजिटिव तरीके से कैसे गुजारना है, आपने मूव ऑन कैसे करना है, हर रोज़ जो एक दिन है ना, डेली का एक डे है वो आपका मूव ऑन करने का डे है, क्योंकि हर रोज़ आपको एक ऐसा सदमा मिलता है या कोई ऐसी चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है कि जिसके लिए आपको पहले से तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और समटाइम्स ये होता है, बहुत सी जंगें ऐसी होती हैं जो हम खुद से लड़ते रहते हैं और हम उनमें हार जाते हैं, तो वो जो हार है ना, अगर आप हारते जाएंगे ना तो आप ख़त्म हो जाएंगे, और एक वक्त वो आएगा कि कोई भी इंसान नहीं आएगा आपको उठाने के लिए, आप खुद से लड़ते लड़ते और आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी, इंसान की ज़िंदगी का पर्पज़ ये नहीं है। लाइफ इज़ कॉन्टीन्यूस फाइट, so you have to fight, you have to win, or at any cost आपको वो विन करनी है, आपने कोशिश करनी है, आपने अपने आप को बेटर वर्जन साबित करना है। आपसे गलतियाँ होंगी, आपसे मिस्टेक्स होंगी, आप उन मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट करेंगे ज़िंदगी में कि ये दोबारा नहीं होगी मुझसे, क्योंकि इंसान के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स हैं आपको पता है, द फायर एंड द लाइट। और जब आपके ऊपर फायर हावी हो जाती है, वो शैतानी ताकतें हावी हो जाती हैं, उस टाइम पर आप एंगर में भी आते हैं, आप उस टाइम पे बहुत सी चीज़ों में भी ऐसे आते हैं, और कॉन्टीन्यूसली सम टाइम ये होता है कि इंसान अपने कंट्रोल में नहीं रहता, आप उस फायर के कंट्रोल में चले जाते हैं। तो वो एक एलिमेंट जो है वो मैटर करता है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट जो है वो लाइट है। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो लाइट अता करे कि जिससे हम कभी अंधेरे में ना जाएँ। तो आई होप सो कि
कुछ बातें थी ऐसी जो कि आई वॉज थिंकिंग कि मैं शेयर करूं अपने इस चैनल के थ्रू, जो जिससे लर्निंग भी हो सकती है, जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट भी हो सकते हैं। आई डोंट नो कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं, मुझे नहीं पता इस बात का, बट मैं ट्राई कर सकती हूं, मैं कोशिश हमेशा करती रहती हूं। और आई ऑलवेज ट्राई कि जब भी मुझे लगता है कि कहीं डार्कनेस आ रही है तो मैं थोड़ा सा लाइट लगाने की, ये वाली लाइट जो पीछे लगी हुई है इट्स नॉट लाइट, मीन्स कि मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा इनलाइटन करूं। इनलाइटन कैसे कर सकते हैं आप, जब कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि आप फेस कर रहे हैं, कोई दूसरा भी फेस कर रहा हो, अगर आप उसको उस सिचुएशन से निकालने के लिए मे बी कोई एक लफ्ज़ काफ़ी हो, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो इसी तरह से जो है वो मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। मुझे ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा ग्रीड हो किसी चीज़ की, कुछ ऐसा हो, नहीं। मुझे एक्चुअली आई जस्ट वांट टू चेंज सम सिस्टम्स, के कुछ सिस्टम्स में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ लर्निंग के हवाले से जो चीज़ें मुझे पता हैं, आई वुड लाइक टू शेयर विद द पीपल, और उन लोगों को कुछ फ़ायदा होता है इससे। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी, मतलब मुझे एक सुकून देती है, मेरे लिए पीसफुल है, और मेरा ये कॉन्टिन्यूस एक रूटीन है कि दैट आई लव टू आई जस्ट लव टू डू टू टास्क। एक तो मुझे एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना और उनके लिए कुछ करना, इट्स माई द एम ऑफ माई लाइफ, जो कि बीच में थोड़ा सा रुक भी गया था। एंड सेकेंडली ये है कि जो मेरे पास है, जस्ट लाइक मुझे जो पता है वो मैं आपसे शेयर करूँ, और ये मेरा चैनल, दिस चैनल, और ये मेरा चैनल जो है वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब यू कैन से दैट दिस इज़ माई लाइफ, एंड द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसने संभाल के रखी हुई हैं, जो कि आप शायद किसी से शेयर नहीं करते, आप यहाँ पे आके बोलते हैं तो यू विल फील जस्ट लाइक बेटर, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोई एक किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी मैं, स्पिरिचुअल टॉपिक हो या कोई भी हो, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो वेरी मच अगेन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।